तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहाँ गई वो मीना, कहाँ गई वो रीना और कहाँ गई वो टीना? तेल लेने गई टीना। अबे सर्दी के मौसम में निकाल दिया हमारा पसीना, मुश्किल कर दिया हम शरीफों का जीना। अब ख्वाब देखना छोड़ और हकीकत की दुनिया में आ। अबे केले के छिलकों, सारा मजा किरकिरा कर दिया। इतना हसीन ख्वाब देख रहा था मैं, बात बस बनने ही वाली थी। अबे तू दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता है क्या? नहीं तो क्या तेरे बारे में सोचूं? अरे लड़कियां तो ऊपर वाले की नियामत है। मुझे तो किसी के गाल अच्छे लगते हैं तो किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की चाल अच्छी लगती है तो किसी की नजर, किसी का फिगर। अरे कहाँ गए अपने वो दोस्त अर्जुन और असगर? हुआ है उन पर बहुत टॉर्चर। कर रहे हैं अस्पताल का सफर। ये मुसीबत कहाँ से आई और ये आफत किसने ढाई? अरे यार उसी ने जो खाती है मक्खन मलाई, बट शी इज नंबर वन कसाई। ये देखो इसकी काटी नाक, इसका तोड़ा हाथ और इस बेचारे का तो मर्दानगी ने छोड़ा साथ। कहाँ कहाँ मारा रे ओई माँ। अबे तू कमल से कमला कैसे हो गया रे? अरे उसने ऐसी मारी लात, खत्म हो गई सारी बात। मर्द का था बच्चा, बदल गई मेरी दांत। कौन है वो, किसकी है औकात? हम है वो, हमसे करो बात। बात है भाई, सर से लेके पांव तक, शहर से लेके गांव तक, बात है भाई। ए यहाँ ना तुम्हारी बात बनने वाली है ना दाल गलने वाली है, समझे? नहीं गली तो क्या, कच्ची खा जाऊंगा। हे हम ना चाहे तो तुम तो क्या, हमें हवा भी नहीं छू सकती, समझे? खुदा की कसम बहुत देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये अकड़, ये घमंड, ये अदा, वाह, तुम्हारी मर्जी के बिना हवा भी तुम्हें नहीं छू सकती। लेकिन कल ये बंदा सबके सामने तुम्हारे होठों को चूम कर दिखाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। सारे कॉलेज के सामने उसने वो हरकत की है। माधव लो आ गया, आप खुद ही उसे पूछ लीजिए। यस मॉम। तू जा। माँ माँ माँ, आज तेरे बेटे ने कॉलेज में ऐसा गाना गाया कि पूरा कॉलेज उसका दीवाना हो गया। माँ इस साल की बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी 100% तेरे बेटे को मिलेगी। यस ट्रॉफी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो तू अपने साथ एक मेडल लेकर आया है। कौन सा मेडल माँ? बदनामी का मेडल, बेहयाई का मेडल। ऐसा क्या है तेरे और उस लड़की के बीच में कि तूने भरी महफिल में उसे चूम लिया? बोल जवाब दे मुझे। माँ वो लड़की वो। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू लड़कियों की परछाई से भी दूर रहेगा। माँ ऐसा क्यों माँ? क्योंकि ये मेरा हुक्म है और अगर तूने मेरा हुक्म तोड़ा तो। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ माँ, मुझे किसी से भी प्यार हो सकता है। तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तू मेरा मरा मुंह देखेगा। ऐसा मत बोल माँ, माँ तू जो चाहेगी मैं वही करूंगा। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन माँ? मुझसे लोग उनकी बात कभी मत करना। माँ मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखूंगा, तेरे सर की कसम। भैया भाभी, मैंने आपकी औलाद को अपने उसूलों की जंजीरों में बांध दिया है ताकि मैं आपको दिया हुआ वचन निभा सकूं। वो वचन जिसे पूरा करने के लिए मैं पिछले 20 सालों से इंतजार कर रही हूँ। मुझे शक्ति दो भैया ताकि मैं तुम्हारे साथ किए हुए अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, जो तुम्हारी मौत का कारण बन गया। मैं किशन के साथ इतनी सख्त कभी ना होती अगर हमारा राजू हमारे साथ होता।
क्या छुप छुप के देख रहा था क्या? अरे नहीं 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 अभी बताती हूँ। अरे बाप रे भागो। जाता कहाँ बदमाश? रुक। अरे काका जा, अरे काका, अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन, वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए, तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा तो तुम दोनों का टाका है, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी, हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है, जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना पापा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे तेरे सारे जानो ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तू तो गुनेगार है। आओ बेटी। राजू तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई फिर ये आई, ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं, वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी, और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई और वो हमारे सामने खड़ी थी, वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती और ये सब नहीं होता और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर हुआ यूं के पहले वो आई फिर ये आई और फिर वो। भाई ये क्या नपशना बक रहे हो, पहले ये आई फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार, और फिर। अरे मुंह बंद करना, ये आई वो आई, पहले ये आई थी पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले पहले। अरे चोर राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ, इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे, उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की, ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू एक नहीं पूरी 20 गैया 16 भैंस 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप, ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ, बात एक ही है। क्या कहा क्या कहा? कुछ नहीं।
घुस रहा है, रुक। हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो, हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे, चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे, हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझना बच्चे। आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो गैया पटक पटक कर बेल देंगे, मर जाएगा ससुर के नाते। कहाँ गया वो? अरे वो तबेले की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको, आओ मेरे साथ। जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो?